हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिंग लाइफ। तो कैसे आप सब लोग, भारी अपुन भी लय भारी। तो आज का जो टॉपिक है ये है आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट, आपको कहाँ कहाँ पे लगेगा लेह लद्दाख जाने के लिए। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो है सर्विसिंग, कहाँ कहाँ पे मैंने किया था उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये वाले वीडियो में। आरटीपीसीआर जो टेस्ट रिपोर्ट है वो मुंबई से अगर आप निकल रहे हो तो गुजरात में भी आपका कोई भी टेस्ट नहीं होगा, कहाँ पे भी चेक नहीं होगा। राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या फिर आप दिल्ली से भी होके अगर जाते हो तो भी आपको आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट की कहीं पे भी अभी ज़रूरत नहीं है। बस आप जम्मू में जब इंटर करोगे, लखनपुर का जो बॉर्डर है जम्मू का, वहाँ पे आपको आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। मुंबई से अगर आप राइड कर रहे हो लेह लद्दाख के लिए तो आप हिसार में रुक के या पठानकोट में रुक के आप आरटीपीसीआर टेस्ट कर सकते हो। और अभी क्या 5-6 घंटे में या 3 घंटे भी रिपोर्ट आ जाता है। हमने हिसार में आरटीपीसीआर टेस्ट किया था। हिसार में हमने आरटीपीसीआर करने के बाद हमको 3 या 4 घंटे में ही हमारा जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो आ गया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, जम्मू के एक दिन पहले कहीं पे रुक के आप वहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट करके फिर जैसे रिपोर्ट आता है वैसा आप जम्मू के लिए निकल सकते हो। और जो लखनपुर का बॉर्डर है वहाँ पे आप जैसा एंट्री करोगे तो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको आपका नंबर, नाम, आपका गाड़ी नंबर और कितने आदमी है वो आपको बस उधर लिखना है, वो फॉर्म भरना है। अगर आपके पास में आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं है निगेटिव और आपने लखनपुर में एंट्री किया है तो आपको वहाँ पे जो टेस्ट होता है रैपिड टेस्ट वो आपको करना पड़ेगा। 10-15 मिनट में उसका रिजल्ट आ जाता है। तो वहाँ पे आपका अगर रिपोर्ट निगेटिव होगा तो आपको आगे छोड़ा जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वहाँ का जो प्रोसेस है 7 दिन या आपको 15 दिन 10 दिन क्वारंटाइन किया जाता है। वहाँ पे टेस्ट करने से अच्छा आप प्राइवेट लैब में कोई टेस्ट करो और जो रिपोर्ट है वो साथ में लेकर जाओ, वो बहुत सही रहेगा। जम्मू से जैसा आप निकलोगे लखनपुर बॉर्डर से, उसके बाद में आपको सोनमार्ग जो है, सोनमार्ग से आगे मीनामार्ग करके एक जगह है, मीनामार्ग में आपको आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट फिर से दिखाना है। और सबसे पहली बात ये जान लो कि लखनपुर बॉर्डर में आपको 72 आवर्स का आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट चलता है। और लेह लद्दाख के लिए जो कि मीनामार्ग की मैं भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको 96 आवर का जो है वो निगेटिव रिपोर्ट दिखाना है। तो जम्मू का जो है ना रिपोर्ट वो आपको मीनामार्ग में भी चल जाएगा। मैंने भी वही किया था, हमने हिसार में जो टेस्ट किया वही रिपोर्ट से हमने जम्मू भी क्रॉस किया, फिर वही रिपोर्ट से हमने मीनामार्ग भी क्रॉस किया सेम रिपोर्ट में। मीनामार्ग में आपको रोकेंगे तो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जो है वो चेक किया जाएगा, वो आपका स्कैन भी होता है वहाँ पे। पर आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट होने के बाद भी आपको मीनामार्ग में रैपिड टेस्ट करके जो है वो आपको करना पड़ेगा, जो कि हमने भी किया था। वहाँ का रूल है कि अगर आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव है तो भी उनका जो रैपिड टेस्ट है वो उन लोग करके रहेंगे। पर एक वो जो रैपिड टेस्ट है ना उसका रिजल्ट आपके सामने आता है, 2 मिनट में आ जाता है। तो उसमें अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो आपको 7 दिन का क्वारंटाइन वहाँ पे करना पड़ेगा। तो भाइयों ये जो है ना, ये जम्मू से होके अगर आपको लेह लद्दाख जाना है ये इसके बारे में मैंने बताया। और जो भी भाई है जिनको मनाली से होके ले जाना है तो उनको दारचा से आगे एक जगह आएगा, वहाँ पे आपका एंट्री होता है। मीरू और एक ग्या करके जगह है, वहाँ पे एक बीच में चेक पोस्ट आता है, वहाँ पे आपको आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट चेक करेंगे, फिर वहाँ से आपको छोड़ा जाएगा लेह के लिए। तो ये हो गया मनाली से लेह का। अभी हम बात करते हैं सर्विसिंग, मैंने सर्विसिंग लेह में किया था कि नहीं। लेह में जब हम लोग ने रेस्ट किया था वो टाइम पे हम सब लोगों ने सर्विसिंग कर लिया था, पर वो टाइम पे मैंने व्लॉग नहीं किया था, वही मेरा गलती हो गया। एक्चुअली मैंने व्लॉग करना चाहिए था। क्या ना, बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है कि मैंने सर्विसिंग किया ही नहीं है, क्योंकि मुझे DM भी आ रहे, भाई आपने तो ऑयल चेंज ही नहीं किया, क्योंकि मैंने दिखाया नहीं है ना। ये मेरी गलती है, उसके लिए सॉरी। आपको भी अगर सर्विस करना है तो आप लेह में कर सकते हो। साथ में सर्विस का जो भी सामान है वो सब लेकर चलो। स्कूटर से अगर आप राइड कर रहे हो तो स्कूटर का जो बेल्ट है वो एक बेल्ट एक्स्ट्रा कैरी करना, क्योंकि क्या है पहाड़ी इलाका है, वो टाइम पे ऊपर गाड़ी अपना चढ़ नहीं पाते, कभी अगर बेल्ट टूट गया तो बहुत दिक्कत हो सकता है। और वहाँ पे ना जल्दी सब कुछ मिलेगा नहीं। नवीन भाई को और मनोज भाई को भी ऑयल चाहिए था, वो ऑयल भी नहीं मिल पा रहा था, और कैसा कैसा यहाँ वहाँ से ढूंढ ढूंढ के आधा एक घंटा लगा फिर वो ऑयल मिला। 2 इंजन ऑयल आप साथ में लेकर चलो, बहुत बेस्ट रहेगा। वहाँ पे मिला नहीं मिला बहुत दिक्कत हो जाएगा बाद में, साथ में रहेगा तो बहुत सही है। और स्कूटर का जो है वो 2000 और 2500 के बीच में
आप इंजन ऑयल चेंज कर सकते हो। आपका लेह में जो भी रेस्ट डे रहेगा वो टाइम पे आप सर्विस भी कर लेना। और बहुत सारे भाई के कमेंट आते हैं कि आप इंजन ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे थे लेह लद्दाख राइड के लिए, तो ये जो स्क्रीन पे जो आ रहा है ये इंजन ऑयल मैं लेह लद्दाख राइड के पहले से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही बेस्ट इंजन ऑयल है। तो आप लोगों को भी अगर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। ऑफलाइन भी ये आपको शॉप में मिल जाएगा या फिर एक बार ऑनलाइन भी अमेजोन पे सर्च कर लो। अगर इसका लिंक मुझे मिल जाता है तो फिर मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये हो गया भाइयों आरटीपीसीआर टेस्ट का और सर्विसिंग का। भाइयों आपकी हेल्प की मुझे ज़रूरत है अभी। बस महाराष्ट्र और गोवा का जो बॉर्डर है ना वहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लगता है या नहीं लगता है? अभी सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि लग रहा है वहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट। तो जो भी गोवा से भाई देख रहे हैं ना उनको बस जो भी जानकारी है ना कि अगर मैं गोवा आने का प्लान कर रहा हूँ तो आके मुझे एक्सप्लोर भी करना है कि बहुत कुछ जगह बंद करके रखा है। तो अगर ऐसा ना हो जाए कि मैं गोवा में आ गया हूँ और मुझे एक्सप्लोर करने ही नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ जो भी गोवा के भाई है आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी आपका जानकारी है आरटीपीसीआर से लेके एक्सप्लोर का भी सब बता देना क्या है कैसा है। अगर सब सही है तो आने वाले टाइम में नेक्स्ट मंथ में भी मैं प्लान कर सकता हूँ गोवा का। तो भाइयों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ये जो सामने आ रहा है ये मेरा इंस्टा आईडी है। तो मिलते हैं ऐसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।